राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तो अपनी तैयारी कर ही रही हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग भी प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसकी तैयारी में लगा हुआ है। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस टिकट को लेकर बैठक कर रही है। ये तस्वीर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय की है, जहां अंदर टिकट को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और बाहर नारेबाजी चल रही है। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कांग्रेस बाहर से आए व्यक्ति को टिकट देने की सोच रही है। हम कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान हैं, अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो हम कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सभी पार्टियों में घूम कर आया हो उसको टिकट देने की पार्टी सोच रही है, इसी के विरोध में हम दिल्ली आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर मिठुलाल मीणा है, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विधानसभा क्षेत्र महुआ का निवासी हूं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हम सर इसलिए आए हैं कि पिछले 10 साल से हमारे विधानसभा क्षेत्र महुआ में बीजेपी का विधायक था 2013 में, 2018 में फिर निर्दलीय चुनाव जीता और उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया। उसने जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, कांग्रेस की आड़ में उसने खुली लूट मचा रखी है, जिससे कि हमारी पार्टी की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है क्षेत्र में। और हमारे सुनने में आ रहा है कि पार्टी उस आदमी के लिए टिकट के देने के बारे में विचार कर रही है, तो हमारा हाईकमान से यही निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को हमारे महुआ से टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे महुआ क्षेत्र में कांग्रेस की काफ़ी फजीहत हो चुकी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ईमानदार और निष्ठावान आदमी जैसे कि रामनिवास गोयल जी हैं, ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए, ताकि पिछले 20 साल से हमारे यहाँ से कांग्रेस जो चुनाव हार रही है, इस बार अगर रामनिवास गोयल को टिकट मिलता है तो 101% चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। किशन मीणा मंडल अध्यक्ष, मेरा निवेदन ये है कि साफ छवि वाले आदमी को टिकट दिया जाए। यदि निर्दलीय प्रेजेंट विधायक को टिकट देगी तो वो बुरी तरह से हारेगी, वो भ्रष्ट है, कभी जीवन में कांग्रेस नहीं आएगी उसको टिकट दिया तो। रामनिवास जी साफ छवि के आदमी हैं, धरातल पर काम करते हैं, ईमानदार हैं, पब्लिक से लगाव है, तो मेरा मानना है कि इनको टिकट दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी हमारी बहुत वोटों से जीतेगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।